हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, अगर आपने वर्डप्रेस अभी तक यूज़ नहीं किया है और आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं और आपने कुछ पेज बनाए हैं और अब आप चाहते हैं कि मैं वो पेज हटा दूं और ये पेज मैं दोबारा से बनाऊं, तो कहां से आपको पेज हटाने का ऑप्शन मिलेगा, आज की वीडियो में मैं ये आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे हम वर्डप्रेस में से पेजेस को डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसे अभी मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर हूँ, तो आपको पेजेस डिलीट करने के लिए आपको जो लेफ्ट साइड पे जो पैनल है, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेजेस का। ये देखिए, ये पेजेस आपको यहाँ पर ऑल पेजेस में जाना है, और जैसे आप ऑल पेजेस में जाएंगे, यहाँ पर आपको सारे पेजेस जो आपने बनाए हैं यहाँ पर आपको शो करेगा। इसमें से आपको अगर कोई एक पेज डिलीट करना है, तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसको ट्रैश कर देंगे। जैसे मैं यहाँ इसको ट्रैश करता हूँ, तो आप देखेंगे ये पेज यहाँ से हट गया है, और आप जैसे ट्रैश में जाएंगे तो ये यहाँ पर आपको मिलेगा। अगर आप इसको रिस्टोर करना चाहते हैं, तो रिस्टोर करके आप वहाँ पर जा सकते हैं। जैसे मैं आपको रिस्टोर करके दिखा देता हूँ, ये मैंने रिस्टोर किया है। अब मैं बैक जाता हूँ, तो आप देखिए ये पेज दोबारा यहाँ पर आ गया है। अब मैं इसको एक बार दोबारा आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से मैं ट्रैश में जा कर इसको डिलीट करता हूँ। अब ये जैसे डिलीट हुआ है, तो फ्रेंड्स अब ये ट्रैश में चला गया है। अगर आपको इसको परमानेंट डिलीट करना है, तो आपको यहाँ सेलेक्ट करके एम्प्टी ट्रैश कर दीजिए। जैसे अभी यहाँ पर ये अबाउट अस दिखा रहा है, मैं इसको यहाँ से एम्प्टी ट्रैश कर दूंगा, तो ये देखिए पेज परमानेंट डिलीट हो गया है। अब ये पेज आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपको फ्रेंड्स ये सारे पेज एक साथ डिलीट करने हैं, तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको बल्क एक्शन में जाके मूव टू ट्रैश कर सकते हैं। जैसे मैं मूव टू ट्रैश करूँगा और यहाँ से इसको अप्लाई करता हूँ, तो देखिए सारे पेज हट गए हैं और ये सारे पेज ट्रैश में चले गए हैं। जैसे मैं ट्रैश में क्लिक करूंगा और यहाँ से एम्प्टी ट्रैश कर दूंगा, तो ये सारे पेज आपके यहाँ से हट जाएंगे। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो देखिए अब मेरे पास यहाँ पर कोई पेज शो नहीं कर रहा है। तो ऐसे आप बहुत आसानी से अपने पेजेस को आप डिलीट कर सकते हैं जो आपने अभी बनाए हैं और जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपकी कोई वेबसाइट चल रही है और आपको इसमें से नहीं हटाना है, तो आप ये मत करिए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी नई वेबसाइट है और आप इसमें वर्डप्रेस सीख रहे हैं, तो आप ऐसे पेजेस को डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।